तो पीछे देख सकते हैं हमारी दो बहनें नेहा और नन्ही, और पीछे दादी माँ है। क्रियांश यहाँ पे मैंगो खा रहा है, मैंगो मैंगो। देख रहे हैं रुद्र भाई जो है अपना सामान सब पैक करके तैयार है, काम कर लिए। अब मैं बस अकेले रह जाऊंगी जब हम लोग का प्लान हो जाएगा। कुछ पक्का प्रॉमिस कीजिए कि जल्दी मिलेंगे। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट मंथ। एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, बाद में बताएंगे हम आपको। अच्छा। अभी बज रहे हैं जी सुबह के 5:30, और अभी से ठीक 40 मिनट बाद जो है हमारी एक साथ की क्रिएटर हैं, जो कि अब हमारी बहुत ही अच्छे से दोस्त भी है। जी हाँ, आज जो है ब्यूटी जी और उनके हस्बैंड और उनकी सिस्टर सभी लोग जो है आज हो रहे हैं विदा। उनका ट्रेन है इंटरसिटी, तो गाड़ी लेकर के आ गए हैं और वो लोग जो है अभी तैयार शायद हो ही गए होंगे, तो जल्दी से चलते हैं उन सबको लेकर के आते हैं। तो बहुत सारे जी बेहतरीन समय साथ में बिता करके और अब बारी हो गई है विदाई की, तो सभी लोग चल रहे हैं अभी। सभी लोग सोए हुए हैं, पापा जगे हुए हैं बस। कुछ भी हमसे कमी बेसी रह गई है तो प्लीज माफ कीजिएगा। हम किसी भी इवेंट सबको ऑर्गेनाइज करने में थोड़े से हम अनारी आदमी हैं, पहला एक्सपीरियंस था, कुछ भी कमी रह गई प्लीज माफ कीजिएगा। आइए आइए, फर्स्ट टाइम कहीं इतना ज्यादा एंजॉय किए। चलिए जी, अच्छा लगा जानकर, फिर से आना है फिर। अब आप लोग आइएगा हमारे यहाँ। हाँ बिल्कुल, बुलाएंगे तो जरूर आएंगे हम। तो फाइनली जी ये सभी जो ट्रेन में चढ़ गए हैं और इनका जो सीट सब भी है इधर ही है। कौन सा 79 और 80 और 82 था शायद। तो फिलहाल हम है जी अभी गाड़ी में, तो पीछे देख सकते हैं हमारी दो बहनें नेहा और नन्ही, और पीछे दादी माँ है। और अभी फिलहाल हम लोग रुके हुए हैं मीरगंज के पेट्रोल पंप पर, जहाँ पर अपना तेल डलवा रहे हैं। तो दादी और इन दोनों बहन को जो है जा करके ड्रॉप कर देंगे गांव में, और हम जो है इसी हालत में अभी आए हुए हैं क्योंकि इन लोगों को हमें छोड़ना है और छोड़ करके जो सीधा कटिहार आना है, और कटिहार आकर के जो है मुझे फिर अररिया जाना होगा। आज जो है अच्छा खासा भाग दौड़ है हमारा। तो अपनी बहन को जी यहाँ पर छोड़ दिया और अपनी जो दादी है उन सभी को यहाँ पर ड्रॉप कर दिया है, और इधर एक बहन जो है मुंह चुरा रही है, देख रही है उधर। उसी ने हमें ये चाय दिया है, गरम गरम चाय। यहाँ जो है चाय पी लेते हैं क्योंकि सवेरे से उठ करके ड्राइविंग सब चल रहा है, थोड़ा सा जो है नींद जैसा कुछ लक्षण लग रहा है, तो चाय पियेंगे और इस नींद को खत्म करेंगे। जी हमारा हो गया चाय नाश्ता और यहाँ से अब निकल रहे हैं, और मौसम देख रहे हैं कि बारिश होने वाली है, तो सोच रहे हैं जितना जल्दी निकल जाए अच्छा रहेगा, और स्पेशली जो कीचड़ वाला रास्ता है वहाँ से तो जरूर निकल जाए वरना बारिश में बहुत दिक्कत हो जाएगी उधर। बोलो भैया, पीछे मासी गुदगुदी लगा रही है तुमको, तुम भी लगा दो। मैंने कैसे से कर सब कर लिया, अब कैमरा ऑन नहीं किया। तुम्हारी मासी जो है ना, तुम्हारी मासी जो है ना पिट्टू सिखाएगी। बोला अच्छे मत बोलो मेरी मौसी को, समझी तू। देखो देखो कौन आई है, इन पे इतना प्यार आता है इसको, बहुत दुलार करता है बहुत। जय कर लो, जय आंटी को कर लो, जय कर लो आंटी को, जय सोच रहा है सबको कैसे जय जय करे। चलो चलो की मालकिनी जो है हमारी जा रही है हम लोग को छोड़ के। आएंगे हम इसको घर की मालकिनी कहते, छोटी है ना घर की मालकिनी बना रखे क्या। हाँ बहुत प्यारा है, वही पहना लाइएगा। ठीक ठीक, क्रियांश को ड्रेस दिया, बोली वही पहना के लाइएगा क्रियांश को। ठीक है, कहाँ है, माँ को दे देना, कहाँ पे है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बाऊ। हे फैमिली, तो यहाँ चल रही है साफ सफाई, और जिया अभी आम काट रही है और सभी को खिला रही है। बहुत ही टेस्टी आम है, मैंने सबसे पहले मैंने टेस्ट किया था, और ये है कि खा नहीं रहा है, इतने प्यार से मासी खिला रही है। कोई नहीं खाएगा ये। कैसा लगा आम, टेस्टी है ना। हाँ ओ कान्हा, कान्हा माखन खा रहे हैं, कान्हा जी दो मासी को, दो दो जल्दी जल्दी दो मासी को, जल्दी दो मासी को, जल्दी दो मासी को, जल्दी दो जल्द दो, एक और दे दो। क्रियांश यहाँ पे मैंगो खा रहा है, मैंगो मैंगो। क्रियांश का लग रहा है कि फेवरेट मैंगो है अपना, अभी सीजन का पहला आम खाया है हमारा। हाँ अच्छा, ये सीजन का पहला है, वाह। बहुत सारा प्यार और बहुत सारा आशीर्वाद दीजिए हमारा।
वैसे लखनऊ में ऐसे मीठा भी, वैसे लखनऊ गए थे तो मैंगो शेक खाया पिया था ना, मैंगो शेक, लेकिन कितना अच्छा लग रहा था उसको टेस्ट ना, मांग रहा था, नहीं दे रहे थे उसको तो जबरदस्ती मांग रहा था। हाँ तो अभी बनने वाला है दाल चावल सब्जी, तो सब्जी की तैयारी हो रही है, दाल बन चुका है ना, और यहाँ पे आलू बीन्स की सब्जी बनने वाली है। यहाँ पे सभी लोग जो है का फोटो शूट कर रहे हैं, बकरो इसको वॉशरूम में जाना है, नाई नाई करने है ना, नाई नाई करने जाना है ना, इसको पता है कि उधर पानी मिलेगा, पानी में खेलने के लिए ना, बदमाश आम आम सब जगह आम आम कर दिया, पोछा लगेगा ना साफ हो जाएगा। आ जा आ जा, पूजा जो है पति देव का वेट कर रही है, वो आएंगे तब निकलेंगे है ना। उत्तर भाई बोले हैं 10 बजे तक नहीं आएंगे तो हम निकल जाएंगे, अभी 10:20 होने वाला है। 10:20 ठीक है, 11 इसलिए नहीं निकल रहे हैं हम, घर पे का खाए हुए जाने नहीं। हाँ बोले 11 बज जाएगा तो फिर ठीक है, तो नहीं जाएगा ना आप। अच्छा बोलते नहीं नहीं, बोले थे कि 10 बजे निकल जाएंगे, 10:20 हो गया तो रह जाएंगे। हाँ रह जाएंगे, हाँ मतलब यही है। हाँ हाँ 10 बजे का बोला था, 10 बज गया भाई, कितना प्यार करते हैं हम लोग, आप समझते हैं। तो फाइनली जी हम पहुँच गए कटिहार, और जैसे यहाँ पहुँचे तो देख रहे हैं रुद्र भाई जो है अपना सामान सब पैक करके तैयार है। असल में जी वो पहले से ही तैयार थे, हमने कहा था कि आप अभी नहीं जाइएगा, तब हम आएंगे तो हमारे साथ ही चलेगा। और हम आ गए हैं पूजा घर, वो किस लिए, क्योंकि क्रियांश आ गया है नीचे और घूम रहा है। शिवांश जो है बेचारा जीत कर रहा है कि जल्दी से चला जाए, कहीं भी जाना रहता है ऐसे ही करता है। हां ओए देखिए सबसे आगे यही चलेगा, रुको 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 रुक जा रुक जा। मामा 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 गुलाम मामा गुलाम मामा नहीं करेगा, मम्मी का कमर दर्द है और मम्मी आई हुई है छोड़ने के लिए, मम्मी से चला हुआ जा नहीं रहा है, कोई नहीं सबसे हो गया मुलाकात। तो गाड़ी वहाँ लगी हुई है, रुद्र भाई जो है गाड़ी को यहाँ नहीं ला रहे हैं क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं जी जाम बहुत ज्यादा है, कंजेस्टेड बहुत ज्यादा है, और सामने वाली जो बिल्डिंग है वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो वहाँ पर खूंटा गड़ा हुआ है, मुश्किल था तो वहीं पर चल रहे हैं, वैसे ज्यादा दूर है नहीं, ये मैंने वाइड एंगल ऑन किया हुआ था इसीलिए आपको इतना थोड़ा लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा दूर है। ये देखिए अब नॉर्मल कैमरा है, देखिए जाते टाइम कितनी खुशी हो जा रही है, जैसे कि हम इसको पीट के भगा देते हैं, इतना खुश हो रही है, इसको बहुत पिटाई की सच में जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड और खुश होके जा रहे हैं, आना था तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी जिया से मिलने वाले हैं, क्रियांश का बर्थडे है, फंक्शन है, तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे मिलने के लिए। अब पार्टी ओवर हो चुकी है तो फिर नेक्स्ट हम जल्दी मिलेंगे आप लोगों को, इस प्रॉमिस के साथ जल्दी तुम जल्दी मिलोगे। हाँ प्रॉमिस प्रॉमिस पक्का प्रॉमिस, जल्दी मिलेंगे, ऐसे भाई से बात कर लिए। हाँ ऐसे भाई से बात कर लिए नेक्स्ट ट्रिप का। अच्छा हुआ ये पहले से इंतजाम कर ली है, अब मैं बस अकेले रह जाऊंगी। अरे मैं हूँ, टेंशन मत लो आप, कोई बात नहीं जिया है ना, छोड़ के जा रही हूँ, घर छोड़ के आपके साथ मैं चली जाऊंगी, बोर नहीं होगा। हाँ सबसे ज्यादा तो इसको बोर लगेगा ना, क्योंकि सब भाग गए घर में, जब बहुत सारे लोग होते हैं ना और धीरे धीरे सब चले जाते हैं तो बहुत अकेला अकेला सा फील होता है एकदम। और इधर हमारा बेटा जो है इधर देख सकती है, गाड़ी का चक्कर लेके आया हुआ है। और कब आ रहे हैं आप, जब हम लोग का प्लान हो जाए कुछ ट्रिप का। नहीं पक्का प्रॉमिस कीजिए कि जल्दी मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट मंथ। हाँ नेक्स्ट मंथ पक्का, किसी ट्रिप पर निकलते हैं हम लोग, ट्रिप हम लोग ज्यादातर ट्रिप पर ही मिलते हैं, इवेंट सब तो होता रहता है बीच में, लेकिन ट्रिप लगातार चलता रहता है तो मिलना ही पड़ेगा जरूर। और पार्टी बाकी इस बार भी रख दी है आप? नहीं नहीं पार्टी सब एक साथ क्लियर हो जाएगा। दूसरा आपका जो अभी नहीं बोल सकते हैं उसका भी पार्टी बाकी है,
इतनी बड़ी खुशखबरी दी आपने उसका पार्टी उसकी पार्टी हाँ? दोनों एक साथ हो जाएगी ट्रिप पे नेक्स्ट ट्रिप मतलब जो अगली ट्रिप आने वाली है उसको रम्मत वाली पार्टी होगी। एक बहुत बड़ी खुशखबरी है बाद में बताएंगे हम आपको। अच्छा ये बहुत डर रहे थे हम बोल रहे थे इनको सब अच्छे से होगा आप देख लीजिएगा। नींद नहीं आ रहा था भाई साहब एक दिन तो पूरी रात नहीं सोए थे हम कैसे मैनेज करेंगे हो जाएगा शुरू में घबराहट होता है कैसे होगा कैसे होता है बट हो जाता है सब कुछ हो जाता है। नीतू मैं बैठूंगी तब बाय करेगा। नीतू तो यहाँ पे फाइनली सब कोई खाना खा रहे हैं और ये खाना जो है आज घर का है जो खुद ही बनाया गया है तो बताइए कैसा लगा आपको? बहुत टेस्टी बना है जिया ने खाना बनाया है बहुत अच्छा वो भी 40 मिनट में बहुत अच्छा सच में मतलब तू क्या ही भी बता रही 40 मिनट में इतने बड़ा अच्छा था पर जिया दीदी ने बनाया तो मतलब घर के खाने का स्वाद है जो टेस्टी वाला घर का खाना अच्छा है। पार्टी का थोड़ा टेस्ट ले लिया घर का भी खाने का टेस्ट ले लिया घर आए घर का टेस्ट नहीं करते तो अधूरा रह जाता डैडी पूरी खाते जाते एक चीज बाकी रह गया समोसा यहाँ जाते टाइम ना पैक करवा के दे दीजिएगा। इतना खिला पिला इतनी अच्छी खातिरदारी कर दी अब समोसा बाकी रह गया था बस समोसा बाकी रह गया जो कि यहाँ पे मतलब बहुत बहुत अच्छा लगता है जहाँ से लाते हैं ये तब तो बनता भाई खा ही जाएंगे। अभी तक तो जहाँ जहाँ का जो स्पेशल चीज बताया वो बहुत टेस्टी लगा वो झालमुरी भी बहुत अच्छा लगा टेस्टी था। मोमोज तो मुझे उसके यहाँ का बहुत अच्छा लगता है मुझे लेकिन ऐसा नहीं टेस्ट नहीं लगा इसको ना इसके इसमें लग रहा था नॉर्थ इंडियन टच है इसमें थोड़ा सा और ये ना बहुत ज्यादा स्पाइसी भी नहीं था कोई भी खा सकता है और लेयर था बहुत पतला उसका हमारे यहाँ वाले का तीखा होता है बहुत तीखा मोमोज का मतलब कि मिर्ची ठूस ठूस के भरते हैं लेकिन ये बहुत अच्छा था बच्चे भी खा सकते हैं।